नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे उन एंटी एलिमेंट्स को लेकर जो लगातार भारत के अंदर रह रहे हैं लेकिन गुण पाकिस्तान के गा रहे हैं, और अब भारत के अंदर किस तरह से इन पर कार्यवाही हो रही है ये देखने वाली बात है। क्योंकि महज अगर थोड़ा सा आपको पीछे ले जाएं तो 2014 का एक मामला आपके साथ साझा करें तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के अंदर 2016 में एक युवक ने सिर्फ और सिर्फ महज विराट कोहली का नाम लिया, ट्वीट किया कि उसकी तरह यहां पर बनना चाहते हैं, लेकिन उसे 10 साल की सजा हो जाती है और भारत के अंदर नारेबाजी की जाती है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यहां पर लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर नकेल नहीं कसी जाती। लेकिन अब आप देखिए कि केंद्र सरकार की तरफ से कैसे यहां पर बीड़ा जो है वो उठाया गया है, कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से भी कुछ युवाओं को गिरफ्तार किया गया, कश्मीर से भी कुछ युवाओं पर गिरफ्तारी जो है वो रखी गई है, इन्हें भी यहां से गिरफ्तार किया गया। लेकिन पूरा मामला अगर आप समझना चाहें तो सीधा रुख करेंगे तजमुल के पास, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं देखिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच ने जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बाकी जगहों पर भी अपनी छाप छोड़ दी। इधर उत्तर प्रदेश से जम्मू कश्मीर के 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया और उन पर सेडेशन चार्जेस लगा दिए गए हैं। इत्तला के मुताबिक चाडूरा, बडगाम और बांडीपोरा से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की जीत सेलिब्रेट करने पर उन्हें सजा दी गई है। इधर PDP सदर और साबिक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले पर जबरदस्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि ऐसे फैसलों से एलिनेशन बढ़ जाएगा, मैच अपनी जगह, सियासत अपनी जगह है। उन्होंने गवर्नर, इंतजामिया और होम मिनिस्टर से अपील की है कि फौरी तौर पर इन चार्जेस को, सेडेशन चार्जेस को वापस लेने के लिए अमली तौर पर कोई इकदाम उठाए जा सकें। वाजिया करता चलूं, जम्मू कश्मीर में, मुल्क भर में और कई एक इलाकों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबेन यकतरफा जीत के साथ ही पाकिस्तान ने जहां इस टूर्नामेंट में उन रिवायत को खत्म कर दिया जो आलमी कप में पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में कभी जीत दर्ज नहीं कर सका, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और दीगर इलाकों में जो छात्र जम्मू कश्मीर से वहां पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ वहां पर सेडेशन चार्जेस भी लगा दिए गए हैं। जराए के हवाले से खबर है कि कुछ इलाकों में जिनमें बैरूनी रियासत, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हॉस्टलों में दाखिल हुए, कुछ लोग कॉलेजों में दाखिल हुए और सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, जिसके बाद कुछ लड़कों ने जवाब में और रिएक्शन के तौर पर नाराबाजी की होगी ताकि इन लड़कों को पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं इस हमदर्दी के साथ गिरफ्तार किया जा सके। ये दूसरा मामला है। तीसरे मामले में जम्मू कश्मीर में इस मैच के बाद अभी तक जम्मू कश्मीर में मेडिकल कॉलेज सिक्किम्स के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज और कई कॉलेज जहां पर छात्रों ने उस वक्त इस विक्ट्री को सेलिब्रेट किया था, जम्मू कश्मीर में आज भी सियासत गर्म रही। महबूबा मुफ्ती के बाद मोहम्मद यूसुफ तारीगामी, PAGD के तर्जमान, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, PDF, सभी पार्टियों ने होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से अपील की है कि इस तरह से इकदाम उठाने से स्टूडेंट्स और मरकज के बीच में जो पहले से ही एक खिला पड़ चुका है उसको मजीद तकवीत मिल सकती है। बेहतर यह होगा मैच एक दिन था, 40 ओवर खत्म हो गए और इस मामले को यहीं पर गोल कर दें। कौन जीता कौन हारा, तमाम नजरें अब आलमी कप पे हैं, क्योंकि आलमी कप में पाकिस्तान ने दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता, तीसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के साथ मुकाबला है, लेकिन भारत को अपनी इस टूर्नामेंट में रहने के लिए न्यूजीलैंड को अब हराना बहुत मुश्किल ही नहीं बल्कि उनके लिए मैंडेटरी होगा। लेकिन टीम विराट कोहली के पास बॉलिंग, बैट्समैन और फील्डर्स का ये जो कंटिजेंट है ये टीम को आलमी कप भी दिला सकता है। समीर वानी के साथ तजमल इस्लाम, JK24, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर एंटी नेशनल तरीके से अगर आप काम करते हैं तो जाहिर तरीके से आप पर कार्यवाही होना लाजमी है, क्योंकि भारत के अंदर आप हर एक सुख सुविधा लेना चाहते हैं, नौकरी भारत के अंदर लेना चाहते हैं, शिक्षा यहाँ पर हासिल कर रहे हैं, हर एक लिहाज से अगर देखा जाए तो सुख सुविधाएं आप लोगों को प्रदान की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप गुण पाकिस्तान के गाते हैं तो कार्यवाही होना भी लाजमी है, जिस पर पूरी तरह से अब कार्यवाही होती हुई नजर भी आ रही है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर से भी दिखा देते हैं किस तरह से नदीम पूरी तरह ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ यहां पर लोगों को परेशानियां हैं वो दिखा देते हैं।
वक्त हम मौजूद हैं महाराजपुरा के इलाके में। अगर हम बात करें, यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो कि 2004 में बनाया गया था, और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो काफ़ी खुश हुए थे कि अब जो है हमें पीने के लिए जो पानी है वो बिल्कुल साफ मिलेगा। लेकिन वो ख्वाब ही रह गया, क्योंकि अगर हम आज की बात करें, आज भी जो है यहाँ जो ये फिल्ट्रेशन प्लांट है ये बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि ये जल शक्ति डिपार्टमेंट का फेलियर है। क्योंकि अगर हम देखें इस इलाके में जो है पानी जो है बिल्कुल आलूदा पीने के लिए दिया जा रहा है। अगर हम आज की बात करें, इस इलाके में लोगों का कहना है कि अगर हम आज पानी नल से सीधे अगर हम पानी पकड़ते हैं तो कभी कभी जो है छोटी छोटी मछलियां भी जो है वो देखने को मिल रही है। अगर ये फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया है तो क्या वजूहत है कि मछलियां भी जो है इस पानी से जो है घरों तक पहुंचती रहती है? प्लांट फेल है, क्या ये जल शक्ति डिपार्टमेंट का फेलियर है? और अगर हम बात करें इस एरिया की, लगभग 7 से 8 मोहल्ले इस फिल्ट्रेशन प्लांट पे जो है डिपेंडेंट है। और अगर हम बात करें इस फिल्ट्रेशन प्लांट की, 2004 में जो है इसको बनाया गया था, लेकिन आज 2021 है। अगरचे हम बात करें जो बड़े बड़े दावे एडमिनिस्ट्रेशन करती रहती है डेवलपमेंट के हिसाब से, अगर हम देखें या अगर हम देखें जो बार बार जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि घर घर हम जल पहुंचाएंगे, लेकिन क्या यही पानी लोग बीमार होते रहते हैं? और मेरे साथ यहां पे बात करने के लिए बशीर साहब जो कि यहां के काउंसलर है, इनकी भी ये आवाज़ है कि ये हमेशा जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट जाते रहते हैं और उनसे गुजारिश करते रहते हैं कि आया चाहे अगर चीज यहाँ पे मोटर की कमी है या अगर यहाँ पे मशीनरीज की कमी है उनको दिया जाए ताकि जो लोगों की प्रॉब्लम जो है वो हल हो सके। मजीद जानने की कोशिश करते हैं बशीर साहब से। जी बशीर साहब, क्या मसल कोता टाइम गो ये आब अगर वो आब खराब इन तो अगर वो लूक वन कि आब ना सही कह सही कह गंद आब अच्छे लगभग मतलब कंटिन्यू ये गंद आब व आब साफ कह बुत तेकान अम सलित कूर आया चीफ इंजीनियर साहब तय मैडम सानि तो तन तो तम तेम हिदायत ये कर्जो बेस वर वर ये आब समान बिचार प्रॉब्लम फैसलटी कहें सोन मतलब यह लीकेज है क्या तुम वो पान यपरी लीकेज मे वो हत फिर इन लीकेज करो बंद रोड से मतलब लीकेज अत सूच डोजर मोहनी हेकान अटि सह सोन खन तमें खुद करो क्या दुप कॉल सुबह सुबह कॉल मगर आई ना वनुक तान आई ना बो फिर डिपार्टमेंट मतलब फोन त करन मे उन मतलब टस मस गई ना टेबलन पे बड़ बड़ दाव कि करो मगर ग्राउंड जीरो तुम आब पान कूदा गंद यह ब्रो मतलब अगर ए डी सी साहब तो ये सह पान वो मैं गलत वन बस मेन डिमांड मोटर कमी से मोटर दिन ये वो गया सब मेकनिकल क्या हाँ असटेंट उस तम दो तेम महाराज पे बह सा दिम प्रॉब्लम ग कर बहाल तो मगर सू तो पत् दिन कहें बे मेन गुजारिश है मोहन मुलाजिम बिचार फैसलटी ये कहीं शोंगन आज नई ड्यूटी इतने यहाँ के काउंसलर इनका भी कहना है कि अगर हम यहाँ के मुलाजमों की बात करें जो नाइट ड्यूटी भी देते हैं अपनी ड्यूटी हर टाइम पे यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन उनको भी जो है फैसलिटीज से महरूम रखा गया है। अगर हम फैसलिटीज की बात करें, अब आने वाला जो है सर्दियों का मौसम है, अगर आप देख सकते हैं मेरा कैमरा मैन आपको ये पैन करके दिखाएगा, ये विजुअल्स है, ये अंदर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे अंदर बेड लगे हुए हैं और वो यहाँ पे सोते हैं। सर्दियों का मौसम हो या गर्मियों का मौसम है, यहीं पे वो बेचारे सोते रहते हैं। ऊपर से आप देख सकते हैं ये पूरी छत जो है वो बिल्कुल खुली है। सर्दियों के मौसम में भी वो जो है ऐसे ही वो बेचारे यहाँ पे गुजारा करते हैं और अपनी ड्यूटी निभाते हैं, लेकिन जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है टस से मस नहीं हो रहा है। अगर यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि यहाँ पे जगह जगह पे जो है लीकेज भी है, अगर हम जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात करें जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या वजूहत है कि यहाँ पे जो है इस इलाके को नज़रअंदाज किया जा रहा है? अगर हम पीने के पानी की बात करें, बिल्कुल जो है गंदा पानी लोगों को दिया जा रहा है, जिससे जो है काफ़ी बीमारियाँ लाहक होने की जो है खदशात भी है। मौके पे देख के आए हैं, वहाँ पे भी जो है इनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है पूरी तरह, वहाँ पे वॉशरूम नहीं रखा गया है, वहाँ पे भी जो है ये नाइट ड्यूटी देते हैं लेकिन विदाउट वॉशरूम है, विदाउट वहाँ पे भी कोई फैसिलिटी नहीं है, खाली एक बेड रखा गया है और एक दो कमरे दी गई है इनको रात गुजारने के लिए। तो इनकी भी यही डिमांड है कि यहाँ पर जो है हमें फैसिलिटी दी जाए, और इस इलाके के लोगों का भी कहना है कि जल शक्ति डिपार्टमेंट जाग जाए और यहाँ पर जो है अगरचे मोटर की कमी है या अगर यहाँ पर मशीनरी की कमी है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि यहां के लोगों को भी जो है राहत मिल सके। JK 24/7 के लिए मैं महाराजपुरा से नदीम।
चलिए अब आपको पूंछ लिए चलते हैं जहां पर हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन्स को भी तैनात कर दिया गया है क्योंकि 18 दिनों से लगातार एनकाउंटर यहां पर चल रहा है, लेकिन अब आखिरी पड़ाव पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 13 सालों में अगर आज तक की बात की जाए तो ये एक बार फिर से बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर देखा गया है, लेकिन अब सूरत हाल क्या कुछ है सनी रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। 12 दिन हो चुके हैं इस एनकाउंटर को जो बाटा दुनिया के नरखास के जंगलों में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही सेना ने इस पूरे इलाके पे ड्रोन और हेलीकॉप्टर से भी नजर बनाना शुरू कर दी है, क्योंकि कल से ही इस जंगल के जो जहां पे सेना को डाउट था, ऐसा सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि जहां पे सेना को डाउट था उन जगहों पे सेना ने आग लगा दी है और सेना की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को खत्म किया जाए, क्योंकि रजौरी पुंछ में ये सबसे बड़ा एनकाउंटर है जो जिसको आज 18 दिन हो चुके हैं और ये एनकाउंटर जो है बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन एक नया पहलू जो है वो निकल के आ रहा है और कल हमने देखा था इसी इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 लोगों को उठाया था, अपनी हिरासत में लिया था और जी मैं बाटा दूरियों से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर हूँ, क्योंकि आज आगे नहीं जाने दिया जा रहा हमें, यहाँ पे ही जड़ा वाली गली के पास ही हमें रोका हुआ है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और जो लोग यहाँ पर हिरासत में लिए गए थे सनी, जिनसे पूछताछ हो रही थी कि आखिर किस तरह से वहाँ पर मददगार कौन बना हुआ है, उन लोगों की तरफ से कुछ सफाई सामने रखी गई है? जी गुरु जी, अभी उनकी तरफ से कोई भी बात है जो हमारे सामने नहीं आ रही है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ अपने सीक्रेट होते हैं जो हम तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, पर उनसे पूछताछ हो रही है, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस उस तरफ ये ध्यान दे रही है कि कौन कौन से लोग हैं जो इनकी मदद के लिए आगे आ रहे थे, जो खाना पहुंचाने का काम या और जो काम है इनके कर रहे थे उनको सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ चल रही है। और अब जो एक सुबह में सूत्रों से खबर मिली है कि जो जम्मू पूंछ हाईवे है इसे भी कल या परसों खोल दिया जाएगा, क्योंकि इसके जो आसपास के जो जंगल थे वहां पे सर्च ऑपरेशन जो तेज कर दिया था वो, क्योंकि वो जो इलाका है बिल्कुल रोड के बिल्कुल साथ में लगने वाला है, हाईवे को टच करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है सनी कि जिस तरह से जंगलों में आग लगाई गई है पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई हाइड आउट हो सकता है वहां पर, और साथ ही साथ चॉपर्स का भी सहारा लिया जा रहा है, हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं, ड्रोन तैनात कर दिया गया है? जी बिल्कुल गुरु जी, क्योंकि 2 दिन पहले ही आपने देखा कि सेना को इन्हीं जंगलों से कामयाबी मिली है, जो कि थोड़े दिन पहले हाईडोट के पास से ही सेना को रिकवरी हुई है, जिसमें AK-47 और 2 ग्रेनेड और कुछ सामान सेना ने वहां से जंगल से सेना को मिला है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो सेना की तरफ से ही कोशिश रहेगी कि जंगल में जो आग लगा दी गई है इससे सेना को दिक्कत जंगल की वजह से दिक्कत हो रही थी, सेना आगे बढ़ती जा रही है, पड़ाव तक ये एनकाउंटर पहुंचता हुआ नजर आएगा कुछ ऐसा? जी बिल्कुल गुरु जी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है, क्योंकि ड्रोन का भी अब सहारा लिया जा रहा है और हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है, ऐसा लगता है कि अब कामयाबी जो है वो बिल्कुल पास पहुंच चुकी है और सेना बिल्कुल जहां पे हाई डॉट बताए जा रहे थे उसके बिल्कुल करीब है। तो चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। डोडा से बड़ी खबर देखने को मिल रही है जहां पर 13 लोगों की मौत बताई जा रही है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि 15 के लगभग लोग यहां घायल भी बताए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से एक मुआवजा देने की पूरी तरह से घोषणा भी कर दी गई है कि 2-2 लाख रुपए जिन लोगों की मौत हो गई है उनके परिजनों को दिए जाएंगे और साथ ही 50,000 रुपए घायलों को भी दिए जाएंगे। लेकिन वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से अपडेट कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। बिल्कुल वसीम जी, यहाँ पर जो है जैसे लगभग 10 बजे जो है हादसा पेश आया, उसके बाद जो है इनको GMC लाया गया सभी पेशेंट्स को, तो कैजुअल्टी ऑन स्पॉट जो है 8 के करीब जो है कैजुअल्टी ऑन स्पॉट हुई थी, बाकी कैजुअल्टी जैसे NGOs की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 13 से 14 कैजुअल्टीज़ है और ऑफिशियली जैसे कि DC सर ने बताया कि 11 कैजुअल्टीज़ है। लेकिन आप बात करें यहाँ पर एयरलिफ्ट की, तो लगभग 12:15 बजे यहाँ पर जो है एम्बुलेंस को लाया गया था और 12:15 बजे से 12:40 तक जो है वेट करना पड़ा, उसके बाद चॉपर पहुँचा और 12:40 से 1 घंटा जो है चॉपर को यहाँ पर लगा पेशेंट को बार बार
चॉपर, चॉपर की तरफ, चॉपर से एम्बुलेंस की तरफ लिया गया। उसके बाद कहीं जाके जो है 1:45 जैसे जो है ये जो पेशेंट एडजस्ट हो गए उसके बाद उनको शिफ्ट किया गया। बिल्कुल 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 वसीम जी, ये तो एक तरह से फेलियर ही है, क्योंकि इतना टाइम जो है एक तरह से क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, क्योंकि एक तो एक की तो वो पल्स रुक गई थी, बाद में CPR देके उसको रिवाइव किया गया, जो लेडी है मोनिका देवी, तो उसको जो है CPR देके रिवाइव करना पड़ा। तो अभी तक जो है एम्बुलेंस में अगर लिया होता अभी तक तो 10 बजे हादसा हुआ, अभी तक तो पहुँच गया। जिस तरह से आए दिन इस तरह के मामले जो एक्सीडेंट के मामले जो दिन ब दिन, किस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? बिल्कुल, इस पर हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि चिनाब वैली की बात करें, खास करके जो है जिला डोडा की बात करें, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, और यहाँ पर जो है चॉपर जो है अवेलेबल होना चाहिए था, लेकिन चॉपर भी अवेलेबल यहाँ पर होता नहीं है। अभी जो है जम्मू से उसको जो है 20-30 मिनट लग जाते हैं, और इतने में जो है पेशेंट जो है बहुत क्रिटिकल हो गए, क्रिटिकल से भी ज़्यादा उनकी जो है गंभीर हालत हो गई। में से 7 को एयरलिफ्ट कराया है जम्मू GMC के लिए, तो अटेंडेंट और कुछ हमारे मेडिकल स्टाफ साथ में गया है, तो यहाँ इलाज उनका बाकी का GMC में चल रहा है, उनको डायरेक्शंस हैं पूरा स्टाफ। सर सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर मिल पा रही है कि कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, 13 के आसपास कैजुअलिटी 11 बताई गई हैं अभी तक रिपोर्टेड। सर एम्बुलेंस यहाँ पर 12:15 लेके आती है, लैंड चॉपर करता है 12:40 पे, और उसके बाद एक घंटा यहाँ पे रुकाया जाता है कहीं ना कहीं। चॉपर का एक यहाँ सिस्टम है, चॉपर आना है अंदर, उनको लिंक पोजीशन में रखना होता है, पूरे सिस्टम के साथ रखा जाता है उनको, उनको बेस्ट मालूम है किस तरीके से रखना है, किस तरीके से रखना है। चॉपर भी टाइम पे आया था और एम्बुलेंस भी यहाँ, क्योंकि एक एक करके रखा जाता है उनको, तो पूरे तरीके से रखा जाता है। सर जैसा कि चॉपर की बात करें तो यहाँ एक्सीडेंट प्रोन एरिया है डोडा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर चॉपर अवेलेबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चॉपर अवेलेबल नहीं होता, जम्मू से यहाँ तक आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस बारे में क्या नहीं, वो तो रिक्विजिशन पर डिपेंड करता है, कभी ऐसे हादसे हमारे यहाँ ना हो, लेकिन जब आता है तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन स्विंग होती है, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के, LG एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ के, सभी ने इमीडिएटली रिएक्ट किया है। हमारे यहाँ LG साहब का यहाँ पे मैसेजेज आए हैं, कंडोल किया उन्होंने, MS जितेंद्र सिंह साहब ने इमीडिएटली कंडोल किया, उन्होंने इंश्योर भी किया कि इसी तरह की हर तरह की इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, और इमीडिएटली एयरफोर्स के साथ कांटेक्ट किया गया और चॉपर इमीडिएटली एयरफोर्स का यहाँ पे आ गया था और हमारे स्टेडियम में उतर के यहाँ से। चनावली के अंदर एक्सीडेंट के मामले जो दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह के इन्वेस्टिगेशन आप करवाएंगे? इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जहाँ से आ रहा था वहाँ वाइड रोड काफ़ी वाइड थी और ओवरलोडिंग भी नहीं थी, और शायद ओवर स्पीडिंग की वजह से हो गया, वो काज ऑफ एक्सीडेंट सामने आएगा, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है इंसिडेंट जिसमें हमारी ट्रेजिक डेथ हुई है, आपने देखा है। इस तरह के इंसिडेंट्स पे ही प्रे है भगवान से कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो और लोग केयरफुली गाड़ियां भी चलाएं और रोड का पालन करें। डी साहब भी आए थे, ADC साहब भी यहाँ पे ही थे, सिंगामो साहब भी थे, प्रिंसिपल साहब भी हमारे पास यहीं पे रुके रहे, पूरा जो है वो सब लोग जो है मॉनिटर कर रहे थे। तो इलाज जो है बेसिकली हमने तो अपने जो है 100% देने की कोशिश की है, फिर भी अगर किसी को लगेगा तो उसमें हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, बट जो बेस्ट हो सकता था हमसे वो हमने दिया, और कोशिश की कि जितनी जानें हम बचा सकते थे वो बचाने की कोशिश की है, और अच्छा इलाज है इनका जो चल रहा है बेसिकली, और इसमें जो है कुछ लोग तो स्टेबल हैं जो बेसिकली वॉकिंग हैं, और कुछ लोग जो हैं बेसिकली अभी भी उनको इवेलुएट कर रहे हैं, और फर्दर मैनेजमेंट जो भी है वो मतलब टाइम टू टाइम जो है चेंज होता जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उसी गाड़ी में एक शख्स थे जो कहाँ से आ रहे थे, कहाँ की तरफ जा रहे, इनसे जानते हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा, कहाँ से, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मेरा नाम आरिफ हुसैन है, मैं कारा प्याकुल से रहने वाला हूँ। तो कहाँ इस गाड़ी में चढ़े? मैं डोडा के लिए आ रहा था जी। हाँ सर, तो मतलब गाड़ी बड़ी तेज़ चल रही थी, तो मोड़ पे कंट्रोल ही नहीं हुआ, एकदम गाड़ी मोड़ से निकल गई। तो जिस टाइम आप गाड़ी में सवार थे, कितने लोग उस गाड़ी में सवार थे? सर उस बड़े थे, मतलब ओवरलोड ही थी। ओवरलोडिंग? हाँ जी। और तो किसकी लापरवाही आप समझते हैं, इतने लोगों की जाने चली गई है? हाँ सर, वो तो ड्राइवर की है, ड्राइवर की लापरवाही। हाँ जी। कोई ट्रैफिक पुलिस का कोई नाका वगैरह, पुलिस का कोई नाका वगैरह, कोई चेक वगैरह किया गया वहाँ पे? नहीं सर, कुछ नहीं वहाँ पे, कुछ कोई ना ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं देखा वहाँ पे, गाड़ी बड़ी तेज़ चल रही थी और मोड़ पे कंट्रोल नहीं हुआ, और कंट्रोल की वजह से ही गाड़ी मोड़ से निकल गई। बहुत बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको, एक मैं आपको बताऊँ कि 11 लोगों का जो है घर जो है बिछड़ गया है, अंधेरा उस घर में इस टाइम होगा, क्योंकि हालत जिस तरह से सुबह से हम ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे GMC के अंदर भी, और 11 लोगों की जो डिप्टी कमिश्नर डोडा और सुपरिटेंडेंट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हैं उनसे हमने बात करना सही जाना, क्योंकि 13 लोगों की बता रहे थे कि 13 लोगों की जान इसमें चले गई है, मगर ऑफिशियली क्लियर हमने किया कि 11 लोगों की जान चले गई है, क्योंकि उस टाइम हम देख रहे थे अफरा तफरी काफ़ी ज़्यादा थी,
एनजीओ से हमने बात की थी, उनका ये भी कहना था कि 13 लोगों की, मगर मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा 13 नहीं 11 ही लोगों की जान चली गई है और 7 लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू शिफ्ट किया है और बाकी जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है और डिप्टी कमिश्नर डोडा अभी यहां से विजिट करके चले गए, उनसे भी हमने बातचीत की, उन्होंने यही बताया कि बड़े पैमाने पर इसकी तहकीकात हुई क्यों एक्सीडेंट हुआ और जिस शख्स से अभी हमने बात की ये उसी गाड़ी में सवार था, इसने भी साफ तौर पे यही बताया कि किस तरह जो है गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही थी और ओवरलोडिंग थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे ड्राइवरों पे शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो सरकार को ऐसे एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जिस तरह से लोगों की तरफ से भी यही बताया जा रहा है कि किसी वकील को या किसी जज को सामने लाना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से जहूर हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों को उनका मालिकाना हक तो दिया गया लेकिन पूरी तरह से जो दावे पेश किए गए थे वो पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रिंग रोड का काम चलाया गया है लेकिन रिंग रोड का जो काम चल रहा है इसमें कई तरह के पेड़ पौधों को काटा जा रहा है जिनके पैसे भी इन लोगों को नहीं दिए गए हैं। क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं देखिए। ये चाहते हैं कि इन्होंने रिंग रोड का ये जमीन जब से गया है तब से हम यही डिमांड कर रहे हैं कि हम पहले हमें 4 times ये पेमेंट कीजिए। तो जो बाहर के मतलब सेंटर में स्टेट में बाहर के स्टेट में जैसे मतलब कंपनसेशन दे रहे हैं उस हिसाब से इधर ये कंपनसेशन नहीं कर रहे हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमारे साथ मतलब अच्छे तरीके से मतलब कंपनसेशन हो। तो ये बार बार हमें इधर आ रहे हैं, मतलब ना हमने कोई पैसा लिया कोई मुआवजा के बगैर, मतलब जो हमारे दरख्त है ये हमने काटे हैं। बार बार करान अपील से करान डी सी सबस गुजारिश करान एल जी सबस गुजारिश करान। जिला बड़गाम के पॉलर इलाके में हम इस वक्त हैं जहां पर कुछ देर पहले यहां पर जो जमीन मालिकान है प्रोटेस्ट किया और जिनका यही कहना है कि स्टेट तो यूटी बन गई लेकिन जो इसमें हमारे हकूक हैं वो छीने जा रहे हैं क्योंकि जो कंपनसेशन एक्ट के तहत हमें 4 times यहां पर रिंग रोड को जो कंपनसेशन है वो मिलना चाहिए लेकिन अभी हमें अपने जो पहले से मुकर्रा रेट है उसके भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। हमारे पेड़ काटे गए चाहे बागी खुशकी हो या आबी ज़मीन यहाँ पर हमारे जो भी हैं वो तो सब रिंग रोड के तहत आ गई लेकिन अभी तक हम पे कंपनसेशन और मुआवजा नहीं मिल रहा है। उन्होंने एलजी इंतजामिया और डीसी साहब से गुजारिश की है कि इस पर ज़रा गौर किया जाए। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से जहूर हुसैन। चलिए अब आपको पुलवामा लिए चलेंगे और पुलवामा से मुजम्मिल रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ड्रग्स को लेकर काम कैसे हो रहा है इस पर भी पूरी जानकारी उन्होंने ली है और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर क्या कुछ है सूरत हाल वो दिखा देते हैं। जो नूरानी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट है इन्होंने एक अच्छा डिबेट का ऑर्गेनाइज किया था आज और इसमें जितने सारे स्टूडेंट्स हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एक बहुत अच्छी बात है इन्होंने जितने टॉपिक्स आज सिलेक्ट किए थे ये सारे रेलिवेंट टॉपिक्स हैं जो आज हमारे नौजवानों के सामने जो है वो सारे टॉपिक्स उन्होंने ये उसमें डिस्कस किए और सबसे अच्छी बात है जो ड्रग एडिक्शन के बारे में इन्होंने बात की, जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में इन्होंने बात की। मुझे लगता है क्योंकि हमारी जो निगाहें होती है कल के हवाले से या हमारे जो बच्चे होते हैं नौजवान होते हैं इन्हीं पे होती है और अगर हम अपने नौजवानों को इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे तो ये एक लॉन्ग वे जा सकता है अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में। मुझे लगता है आज का एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम था। इसका एम्पावर किसने समाज में इसका किस क्या रोल रहा है इसके बारे में बहुत से बच्चों ने यहाँ इसके बारे में वजाहत की। वुमेन सेफ्टी एजुकेशन सिस्टम ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस किए गए और मुझे इनमें से सबसे जो ज़्यादा ठीक लगा जिस पे यहाँ डिबेट होना चाहिए था और जो कि हो गया अभी दैट जेंडर इक्वालिटी क्योंकि अगर हम देखेंगे आज भी लाइक वी आर स्टिल लिविंग इन दैट पैट्रियार्कल सोसाइटी जहाँ पे अब भी माना जाता है जो फीमेल्स होती हैं वो कम पाएगी मानी जाती हैं क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनको एजुकेशनल राइट्स बराबर नहीं दिए जाते हैं। वुमेन एम्पावर और ड्रग्स के बारे में अवेयर किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो पुलवामा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो यहाँ पे थे वो भी इस अवेयरनेस में बिल्कुल हिस्सा ले रहे थे और उसी के साथ साथ जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ साथ उनका भी उसमें बहुत खास रोल था। मुजम्मिल, JK 24/7 पुलवामा। और भी अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो दिखा दे। मसला पावर का तो हमारे हयामा में 2 हल्के, एक हयामा ए हयामा बी है और हयामा ए में पूरा महीना कंटिन्यू पावर चलती रहती है, हयामा बी में कभी पावर आते ही नहीं है। आजकल ऑनलाइन क्लासेस चलती है सब जानते हो आप, स्कूल 20 दिन बंद रहती है, कॉलेज स्कूल सब कुछ 10 दिन खुले रहते हैं, लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ना पावर आता ना कुछ ना फ़ोन चार्ज ना वो ग्रेड पे मतलब बदली शिफ्ट करने के लिए रात को जागते ही नहीं।
हम इनके खिलाफ हैं, हम अर्ज करते हैं आपसे एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर पावर हमारे को छोड़ते हुए नहीं तो हम लोग रोडों पे आ जाएंगे कि आज अभी सर्दियाँ शुरू ही हो रही हैं तो हमारे साथ ये नाइंसाफी है लोगों पब्लिक के साथ। कुपवाड़ा के हायामा इलाके के बाशिंदों ने आज महकमे बिजली के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। मुजाहरीन ने मुतल्लिका महकमे बिजली के खिलाफ बिजली के मुलाजमीन के खिलाफ इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि पिछले कई हफ्तों से इलाके में बिजली का निज़ाम दरहम भरम है। उन्होंने ज़िला इंतजामिया से बिजली के निज़ाम में बेहतरी लाने की अपील की और तंबिया किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो शदीद एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन 24/7 के लिए रियाज तक कुपवाड़ा। आज सुबह से ही हम आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपको अपडेट कर रहे थे कि डोडा इलाके से क्या कुछ खबरें निकलकर सामने नजर आ रही है, और जिस बीच दुखद खबर निकलकर ये सामने नजर आई कि एक गाड़ी जो है वो मिनी बस जो है वो हादसे का शिकार हो जाती है, और उस बीच में ये बताया जाता है कि मौके पर ही 11 लोगों की जो है मृत्यु हो जाती है। बेहद दुखद खबर थी। और उसके बाद ये बताया गया कि जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 7 लोगों को जो है शिफ्ट किया जा रहा है, हालांकि उनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही थी। और इसके साथ आप अभी आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल वहां पर पहुंचे थे और पूरी तरह से निरीक्षण किया है, घायलों का जो है वो पूरी तरह से जायजा लिया है, हालत क्या है वो भी हमने पूरी तरह से वहां पर जानने की कोशिश की, और माननीय उपराज्यपाल जी से सवाल भी पूछा कि क्या किस तरह से आप देखते हैं ये पूरे हादसे को। तो हालांकि उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, मगर इसके साथ डीसी जम्मू साथ में थे और बीजेपी के तमाम नेता लोग वहां पर आपने देखे होंगे तस्वीरों में, हमने आपको पूरी तस्वीरें दिखाई हैं, और इसके साथ साथ घायल लोग जो थे उनकी भी हमने तस्वीरें दिखाई हैं। और काफ़ी बड़ा हादसा, और कहीं ना कहीं जितने भी इस हादसे में लोगों की मृत्यु हुई है, मैं चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्माओं को जो है वो शांति दे और घायलों को जल्द से जल्द जो है भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो अपने घर सुरक्षित वापस लौट पाए। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक के लिए आप बने रहें जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जम्मू से धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा किस तरह से सुर्खियां बटोरती हुई खबर आज जिला डोडा से देखने को मिली है, क्योंकि यहां पर सड़क हादसा एक बार फिर से हो गया है जिसमें 6 लोगों को एयरलिफ्ट कर जम्मू के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, यानी यहां पर उन्हें रेफर कर दिया गया। बड़ा सवाल यहां पर यह बन रहा है कि सड़क हादसे आए दिन पेश आ रहे हैं जिस पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। और ये भी बताएं कि मिनी बस आज सड़क हादसे का शिकार हो गई है जिसमें लगभग पहले 10 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी, और उसके बाद अगर अपडेट की बात करें तो 13 लोगों की मौत यहां पर हुई थी और 6 लोगों को जम्मू के जीएमसी के अंदर रेफर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पूरी तरह से खंगालना बहुत जरूरी है कि आखिर किन कारणों की वजह से ये सड़क हादसे पेश आ रहे हैं, क्योंकि पहले जब आरोपों की बात की जाए तो यहाँ ये आरोप लगाए जाते थे कि सड़क बिल्कुल भी सही नहीं है जिसकी वजह से इस तरह से हादसे पेश आ रहे हैं। तो ऐसे में विभाग को काम करने की भी जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।